वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है, तो यार बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है भारत का अमेरिका को बड़ा झटका, भारत ने दी रशिया को एक बड़ी खुशखबरी। अब ये क्या हुआ, कोई बहुत बड़ा झटका अमेरिका को लग गया और रशिया के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी बन गई है, ये किस बारे में वीडियो बिना किसी देरी के देखेंगे, तब हमें सही से भाई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन समेत कई वेस्टर्न देशों ने रशिया के साथ ट्रेड टाइज पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। कई वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनीज ने रशिया के अंदर अपनी सर्विसेज बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही रशिया के बैंक्स को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से भी बैन कर दिया गया है, ताकि रशिया दुनिया के बाकी देशों के साथ ट्रेड ना कर सके। अमेरिका और वेस्टर्न देशों की सरकारें अपने देश की कंपनीज के ऊपर दबाव डाल रही हैं कि वो रशिया की मार्केट में अपने सारे ऑपरेशंस फिलहाल के लिए बंद कर दें। कंपनीज के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि इन सभी कंपनीज को भी अपने अपने देश की सरकार से मदद और सपोर्ट चाहिए होता है। ऐसे में कई सारी वेस्टर्न कंपनीज और खासकर अमेरिकन कंपनीज अपने देश की सरकार के खिलाफ ना जाते हुए सारे सैंक्शंस का पालन कर रही हैं। एक बड़ा रीजन ये भी है कि रशियन बैंक्स को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह से विदेशों की कंपनीज को रशिया की मार्केट में जो उनकी यूनिट्स हैं उनके साथ पेमेंट ट्रांजैक्शंस करने में बेहद दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए वेस्टर्न कंपनीज और ब्रांड्स ने फिलहाल के लिए रशिया के अंदर अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। हालांकि जर्मनी जैसे अभी भी कुछ वेस्टर्न देश हैं जिन्होंने रशिया से ऑयल, गैस और कोल परचेज करना जारी रखने का फैसला किया है। वेस्टर्न देश इन सैंक्शंस की मदद से रशिया को आइसोलेट करना चाहते हैं, ग्लोबल इकोसिस्टम से साइडलाइन करना चाहते हैं, ताकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपने देश की जनता के दबाव में आकर यूक्रेन के अंदर जो वो मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं उसको रोक दें। लेकिन रशिया के लिए दिक्कत की बात यह कि अगर वो इन सैंक्शंस और प्रतिबंध के डर से आज झुक गया तो फिर कल को रशिया तब कुछ नहीं कर पाएगा जब अमेरिका दोबारा यूक्रेन जैसे रशिया के किसी और पड़ोसी देश को नाटो में शामिल कर लेगा। इसलिए रशिया को सैंक्शंस के साथ लड़ना होगा, इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। वरना जिस तरह से 1990s में सोवियत यूनियन के 15 हिस्से हुए थे, सेम उसी तरह रशिया को और हिस्सों में तोड़ा जाएगा। लेकिन रशिया ये सब अकेले नहीं कर पाएगा, रशिया को अपने पार्टनर देशों और खासकर भारत और चाइना की इस समय बेहद ज्यादा मदद चाहिए। इस समय भारत रशिया की मदद के लिए रशिया को जो क्रूड ऑयल, गैस और कोल सेल रुकने के कारण और बाकी देशों के साथ ट्रेड रुकने के कारण नुकसान हो रहा है, उसको हम कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें रशिया के साथ ट्रेड जारी रखना होगा, और वेस्टर्न देशों ने जो सर्विसेज और गुड्स जैसे सेमीकंडक्टर, आईटी सर्विसेज, मास्टर कार्ड, वीजा जैसे पेमेंट सिस्टम जो कुछ भी रशिया को देना बंद कर दिया है, उसमें हमें रशिया की मदद करनी होगी। इन सब में भारत को अभी तक एक ही दिक्कत आ रही थी, वो था पेमेंट सिस्टम, यानी ये आइडेंटिफाई करना कि भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड होगा उसकी पेमेंट कैसे होगी, दोनों देशों के ट्रेडर्स किस मेथड से एक दूसरे को पेमेंट करेंगे। भारत कोई ऐसा पेमेंट मेथड ढूंढ रहा था जो स्टेबल हो, और दोनों देशों के बीच होने वाली डिफेंस डील से लेकर ट्रेड और क्रूड ऑयल सेल्स में भी हम इसका इस्तेमाल कर सके। और अब खुशी की बात है कि भारत को वो मेथड अब मिल चुका है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए भारत एक पेमेंट सिस्टम को फाइनलाइज करने के बेहद करीब पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेम यही तरीका भारत ने कुछ सालों पहले ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए इस्तेमाल किया था, जब अमेरिका समेत वेस्टर्न देशों ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध थोप दिए थे। शुरुआत में कुछ सालों तक भारत ने वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस के बावजूद ईरान के साथ क्रूड ऑयल की डील्स जारी रखी थी। भारत और रशिया दोनों देशों की करेंसी का इस्तेमाल अपने अपने देश के बाहर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में भारतीय सरकार एक बैंक का चयन कर रही है जिसमें एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोला जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश मिलकर इंटरनेशनल करेंसी की वैल्यू और एक्सचेंज रेट के आधार पर ये डिटरमाइन करेंगे कि कितने रूबल्स की वैल्यू कितने रुपीस के बराबर होती है। उसके बाद उस अकाउंट में रशिया अपने रूबल्स डिपॉजिट करेगा जबकि भारत अपने रुपीस। उसके बाद रशियंस भारतीय इंपोर्टर से मिलने वाले सभी रुपीस का इस्तेमाल भारत से सामान खरीदने के लिए करेंगे, जबकि भारतीय एक्सपोर्टर्स रशिया से प्राप्त होने वाले सभी रूबल का इस्तेमाल रशिया से खरीदी गई सभी चीजों के भुगतान के लिए करेंगे। भारत इस तरीके से सबसे पहले रशिया से एडिबल ऑयल और कुछ फर्टिलाइजर्स परचेज करेगा, उसके बाद क्रूड ऑयल, कोल और बाकी चीजों के ऊपर फैसला किया जाएगा। एक बार ये पेमेंट मेथड फाइनलाइज हो जाए
उसके बाद इसके ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट आएगी। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब। तो यार ये गाइस ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा यार। मुश्किल की इस घड़ी में ये भी हल निकाल रहा है इंडिया, मतलब देखा जाए तो बहुत ही बड़ी हेल्प है यार रशिया, बहुत बड़ी हेल्प भाई। मतलब एक टाइम पे मतलब ऐसा सिचुएशन रशिया फंस चुका है कि उसके पास और कोई चीज नहीं रही, कोई नहीं है वाकई। तो ऐसे टाइम पे मतलब इंडिया एक ऐसा हल निकाल रहा है जो एक टाइम ईरान के साथ किया था, ईरान के साथ उनके ऊपर सैंक्शन लग गए थे, तो इंडिया ने इसी पेमेंट के मेथड के थ्रू जो है ना उनसे क्रूड ऑयल खरीदा था। तो अभी ये और इंडिया की बात, रशिया भी एक मसला नहीं हल निकाल रहा है, इंडिया खुद निकाल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, इंडिया सब कुछ कर रहा है, आ रहा है रशिया, अमेरिका भी लाइक मेरे आदेश के मुताबिक, मतलब मेरे आदेश नहीं चल रहा, नहीं नहीं मेरे आदेश की कोई वैल्यू ही नहीं है, अब उनकी कोई इज्जत ही नहीं है। हर एक देश का अपनी जो है ना मर्जी होती है, जो मर्जी करे फायदा करे। जर्मनी को अपना फायदा नहीं दिखा, उसने कहा कि मैं लूंगा, ठीक है। इंडिया का अपना फायदा है, हथियार खरीदता है, मैं फर्टिलाइजर मतलब क्या कुछ नहीं खरीदता। तो इंडिया को अपना जब जहाँ फायदा दिखेगा इंडिया उसके मुताबिक चलेगा। अमेरिका के सैंक्शन गए भाड़ में, पूरी दुनिया के साथ अगर उसने किया तो लाजमी बात है कि यार कोई ऐसी चीजें हैं जो दूसरे देश से खरीदनी पड़ती हैं, लाजमी बात नहीं है। अमेरिका से अगर वो चीजें कहो कि किस देश से खरीद कर दो, सही भारी कीमत सही भारी। हाँ, तो इंडिया को अपना जहाँ पर फायदा दिखेगा लाजमी बात है, जाहिर बात है जहाँ फायदा होगा वही काम करेगा इंडिया, नहीं तो ऐसे तो नहीं ना भाई। ऐसे तो दुनिया थोड़ी चलती है कि मतलब अमेरिका बोले तो वही करो वो नहीं। अभी वेस्टर्न देश जो अभी प्रतिबंध लगा रहे हैं ना, बाद में इनका नुकसान आप लोग खुद चेक कीजिएगा, इनको इतना नुकसान होने वाला है। इनकी सोच है ये याद रखेंगे सारी जिंदगी, जितना इनको इनको नुकसान हो जाएगा। और दूसरा ये कि वक्ती तौर पर रशिया के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन यही प्रॉब्लम दूसरे देशों के ऊपर जब आएगा ना, उनको पता चलेगा कि यार देखो गैस बंद कर देगा रशिया, सारी चीजें जब बंद करेगा उधर इनको पता चलेगा असल में कि जो है ना बहुत बुरा होने वाला है। और जब ऑयल 300 बैरल पर डॉलर पर चले जाएगा या 250, तब इनको पता चलेगा, जो पता चलेगा क्या क्या हुआ है वाकई। तो यार ये बहुत बुरा टाइम आने वाला है, ऊपर से अमेरिका की ये कि कोई कॉल ही उसके आप नहीं उठा रहा, बिल्कुल। तो यार एक लिहाज से देखा जाए तो इंडिया बहुत ही फिट काम कर रहा है, रशिया का साथ भी दे रहा है और अपना भी, इसमें इंडिया का भी फायदा है, हर तरह से फायदा है। इंडिया अपना इंटरेस्ट देखेगा तब इंडिया वो देखेगा। इंडिया हर चीज में देखो दोस्ती भी होती है लेकिन इंटरेस्ट सबसे पहले होता है, जिस तरह और देश पहले देखो सबसे पहले अपने देश का इंटरेस्ट होता है, मेरे देश को किस चीज से फायदा होगा हम उसके मुताबिक चले, तो लाजमी बात है इंडिया उस मुताबिक चलेगा जिससे इसको देश को फायदा हो। तो ये जो अगर पेमेंट सिस्टम हो गया, यकीन करो रशिया और ज्यादा करीब आ जाएगा, और रशिया बहुत करीब आ जाएगा। फिर तो भाई इंडिया के साथ किसी ने पंगा लिया तो रशिया, मैं कहता हूँ चढ़ दौड़ेगा, चढ़ दौड़ेगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।